इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल है। यह गिरोह बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। शहर में पुलिस की नजर से बचने के लिए फर्जी न्यूज पोर्टल बनाकर गिरोह के सदस्य पत्रकार बनकर रौब दिखाते थे। पकड़े गए आरोपियों से 1 दर्जन से भी अधिक एटीएम कार्ड, 34 मोबाइल फोन, फर्जी सिम, लैपटॉप, 2 पहिया वाहन सहित अन्य सामान बरामद किया है। नए गिरोह का मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच को पीड़ित फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग कंसल्टेंसी चलाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के माध्यम से झांसा देकर अपने खातों में पैसा जमा करवा रहे हैं और नौकरियां नहीं देते हुए अपने नंबर को बंद कर लेते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरकेडी सर्विस सेंटर पर दबिश देकर आरोपी अनीश सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ उनके कई साथी ब्रजेश, युवती अमनदीप और लेखना भी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। ये आरोपी कंसल्टेंसी चलाकर युवतियों के माध्यम से लोगों को कॉल करवाते थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। जब पीड़ित ठगी का शिकार हुए तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी। पकड़ाए गए आरोपी न्यूज पोर्टल का सहारा लेकर लोगों को धमकाते थे। क्राइम ब्रांच की टीम और थाना परदेसीपुरा ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए एक फर्जी नौकरी देने वालों गिरोह था, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियां शामिल थी, इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से 14 ATM कार्ड, 34 मोबाइल, 52 फर्जी सिम, 3 लैपटॉप, एक्टिवा और जो ट्रांजैक्शंस डिटेल है उसमें 8-10 अकाउंट डिटेल, जिसमें लगभग 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी प्राप्त हुई है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये कई जगह पे क्विकर और इस तरह के जगह पे वो इश्तिहार देते थे, फर्जी नौकरी देने का झांसा देते थे और उसके चपेट में जब पब्लिक आती थी तो उनसे कुछ टोकन अमाउंट और फिर धीरे धीरे और अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डलवाते थे। और अभी तक जो अराउंड 92 लाख का ट्रांजेक्शन इनके पास अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, इनके 8-10 अकाउंट हैं अलग अलग जगह पे और इतने का इनके पास टर्नओवर अभी तक हमने पाया है। अभी की पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि एक फर्जी चैनल चलाने का भी लोगों को बताते थे और कई जगह पे वो एनजीओ टाइप्स कुछ सीएसआर करने का इस तरह से अपना वो ब्रांड नेम बनाते थे ताकि लोगों को लगे कि ये एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे। और जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं वो अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों में रजिस्टर्ड है जहाँ के जिसमें ये पैसे डलवाते थे।